लेके आई है और हम लोग सुबह में 5 बजे निकल रहे हैं थैली में सोचे का है तई पलते करके सुखाएंगे। हाँ बता दे। हाँ, जो हम लोग सजाए हैं। हाँ हाय फ्रेंड्स, जो हार आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आप लोग देख रहे हैं अभी हम लोग हैं जंगल में और हम लोग आए हुए हैं आज केंदू पत्ता तोड़ने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि केंदू पत्ता क्या होता है और उसे कैसे तोड़ा जाता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे केंदू पत्ते हैं, लेकिन ये जो केंदू पत्ते हैं इस साइज में बड़े हैं, तो ये वाले जो पत्ते होते हैं ये नहीं चलेंगे। हमें थोड़े छोटे साइज के केंदू पत्ते तोड़ने हैं, तो उधर हम लोगों को और आगे जाना है आगे की ओर। हम लोग गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर आ गए हैं और अभी हम लोगों को और कुछ दूर जाना है। तो ये जो पत्ता है यही है केंदू पत्ता जिसको हम लोग तोड़ने के लिए आए हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर पत्ते हैं यहाँ। मामू कैसे कैसे वाला पत्ता सबको तोड़ेंगे हम लोग? ये वाला अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर पत्ता, फटा हुआ नहीं रहना चाहिए। अच्छा, और जो ज़्यादा बड़ा है वो भी नहीं? हाँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ठीक साइज में रहेगा, उस सब पत्ता को तोड़ना है। अच्छा, अरे केंदू पत्ता तोड़ने का काम और कितना दिन चलेगा मामू? ये महीना पूरा कम से कम 6 या 10 या 15 जून तक केंदू पत्ता तोड़ेंगे हम लोग। हाँ, उसके बाद ये काम खत्म? हाँ, उसके बाद फिर क्या काम शुरू होगा गांव में? उसके बाद खेती बाड़ी का काम होगा, खाद ढोएंगे क्योंकि बारिश आ जाएगा। उसके बाद बीड़ा करेंगे, फिर बारिश आ जाएगा। पत्ता तोड़ने के लिए बोरा लाए हैं, बड़ा बड़ा थैली लाए हैं। अब इसमें हम लोग पूरा भर के ले जाएंगे क्या? इसमें सब भर के ले जाएंगे। अभी हम लोग नदी के पास में पहुंच गए हैं और नदी के उस पार अभी हम लोगों को जाना है। और अभी गर्मी का दिन है इसलिए नदी में बहुत कम पानी है, और बरसात के दिन में तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है ना मामी? ये पत्थर जो है ना काफ़ी स्लिपरी है, ध्यान से पार होना पड़ेगा, काफ़ी सावधानी से पार होना मीनू। ये देखिए काफी सुंदर सुंदर पत्ते हैं, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। जो अच्छे अच्छे पत्ते होते हैं ना उनको तोड़ना पड़ता है। अर्पण बारह सिक्का रंग गोतिया मना है, गोतिया मन है लाइन है मन के। ए भाई, ओ जाने बुदा और दूर जात है बारी ले। और इस साइड में आप लोग देख सकते हैं मामी का एक मोटरी पत्ता हो गया है ना मामी? और इस साइड में आप लोग देख सकते हैं मीनू पूरा जोर शोर से लगी हुई है पत्ते तोड़ने में। तो मीनू कैसा लग रहा है पत्ता तोड़ने में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? कौन सा पत्ता है रे? देखो सही पत्ता तोड़ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, महुआ पत्ता, चार पत्ता, केंदू पत्ता, सारा जो पत्ता है एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। और उस साइड से आप लोग देख सकते हैं अर्पण ले करके आ रहा है बहुत सारा पत्ता। ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पेड़ ही उखाड़ करके लेके आ जाएगा। तो बैठ के तोड़ना है क्या? एक जगह इसको तोड़ लेंगे, बैठ के तोड़ते रहेंगे। ये तो कोढ़िया लोग का निशानी है क्या? अरे ये देखिए चट्टान में बैठ गया है और यहाँ पर पत्ता तोड़ रहा है। कौन घूम घूम कर तोड़ेगा, उसे अच्छा है कि डाली को तोड़ करके लेके आए हैं और यहाँ बैठ कर आराम से तोड़ेंगे।
ये बुद्धिमानी है क्या? हाँ, ये कोढ़िया लोग के लिए है, जो अलसी लगता है वो लोग के लिए है। जैसे कि तुम? हाँ, जैसे कि मेरे जैसे। हमको तो लगता है तुम कोढ़िया नहीं हो। कभी कभी हो जाते हैं। जंगल में आ गए तो थोड़ा अलसी लगता ही है। इस साइड में आप लोग देख रहे हैं, मामू जो है पत्तों को सजा रहे हैं एक थैली में। इसको थोड़ा ही बड़ा वाला थैला में डाल रहे हैं। अब अभी हम लोग तोड़ते तोड़ते 3 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता तोड़ लिए हैं। अब तो घर के सामने आसपास नहीं मिलता है पत्ता, इसलिए घर से दूर आए हैं पत्ता तोड़ने के लिए। और अभी पहले जैसा पत्ता नहीं मिलता है, सबे किस्म का पत्ता अभी तोड़ रहे हैं, छोटा बड़ा सब, छोटा बड़ा सबे चीज सबे। और शुरुआत के समय में तो अच्छा अच्छा पत्ता, अच्छा अच्छा मिलता था और घर के आस पास ही मिल जाता है ना। हाँ, पत्ता तोड़ते हैं, उसका बांधते हैं, उसका सुखाते हैं और ले जाते हैं सुखाने के लिए। और इससे इससे हम लोग को जो बांधते हैं उससे हम लोग को पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। उस पैसा से हम लोग खेती बाड़ी का काम या खेती में पूंजी लगाते हैं, हल चलाते हैं या बीज बीज खरीदते हैं, सभी किस्म का मतलब इस पैसा से हम लोग उपयोग करते हैं। यानी कि बहुत मदद हो जाता है ना, इसलिए हम लोग को इस कमाने से बहुत मदद हो जाता है। चाहे हम लोग का बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने या एडमिशन कराने में भी बहुत सहयोग मिलता है। यानी कि केंदू का जो पत्ता है वो हमारे लिए किसी सोने से कम नहीं है ना। हाँ। और अभी जा रहे हैं मामू घर और पत्तों को अभी पहुँचा करके फिर से वापस आएंगे। हम लोग सुबह में 5 बजे निकले थे घर से पत्ता तोड़ने के लिए और अभी 6:30 बज रहे हैं। और ये देखिए इधर सामने मामी पत्तों को तोड़ रही हैं। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी पत्ते तोड़ लेते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए चारों ओर यहाँ जंगल ही जंगल है और हम लोग आए हुए हैं जंगल में पत्ता तोड़ने के लिए। आप लोगों को चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, यहाँ जो है काफ़ी अच्छा नेचर का साउंड आ रहा है। अभी हमारे यहाँ बारिश होना स्टार्ट हो गई है तो हमारे यहाँ मशरूम भी उगने लग गए हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर जामुन खुखड़ी लेकर के आई है और ये थैली में आप लोग देखिए, थैली में भी एक थैली नहीं बहुत सारा जामुन खुखड़ी है। कम से कम 2 केजी का तो हो जाएगा। नहीं होगा, 2 केजी हल्का होता है, 1 केजी हो जाएगा जामुन खुखड़ी। और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है, ये वाला जो जामुन खुखड़ी होता है ना, ये खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो मैया को अभी इतना मिला है, अभी और खुजने जाएगी। तुमको पता है कहाँ कहाँ मिलता है वो? अच्छा ठीक है। ये देखिए जामुन खुखड़ी ऐसा उगता है, मैया यहाँ पर उसको मिला। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और देखिए अर्पण को भी जामुन खुखड़ी मिला है। पत्ता तोड़ लिए हैं और पत्ता तोड़ के अभी घर जा रहे हैं। हर गांव का अपना एक एरिया होता है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे पत्ती सुखा करके रखे गए हैं। तो यहाँ पर देवबहार के लोग सुखाए हैं पत्ता और अभी हम लोगों को जाना है आगे। आगे है नदी। ये है हमारा सखुआ का दतवन, अभी हम लोग इसे से मुँह धोएंगे। और इधर में मामी पत्ता तोड़ रही है सखुआ पत्ता, तभी हम लोग इससे पत्तल बनाएंगे और हम लोग खाना लेकर के आए हैं तो हम लोग खाना खाएंगे अभी। पत्ता तोड़ते तोड़ते काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी और अभी हम लोग आ गए हैं नदी में। नदी का पानी ठंडा ठंडा सा है तो काफी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग हाथ पैर धो लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि नदी में नहा ले, लेकिन हम लोग कपड़ा वगैरह नहीं लेकर के आए हैं तभी हम लोग यहाँ नहीं नहा रहे हैं। अभी हम लोग घर जाएंगे, घर जा करके नहाएंगे।
हम लोग घर से बासी खाना लेकर के आए हैं और अभी हम लोग पत्तल बनाएंगे, उसके बाद यहीं पर हम लोग खाना खाएंगे, फिर घर के लिए निकलेंगे। सुबह सुबह हम लोग सब्जी तो बना नहीं पाए थे, तो हमने आलू बॉयल करके लाया है, चना बॉयल किया है, तो इसमें हम लोग प्याज और नींबू वगैरह डालेंगे और इसी से खाना खाएंगे। प्याज मैंने काट दिया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक और मिर्च, अब मैं डाल देती हूँ नींबू। ये देखिए हमारा चोखा बन करके रेडी है और इधर हम लोग खाना निकाल रहे हैं। ये है बासी भात, इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके खाना पड़ता है। खाना काफी सिंपल है, लेकिन नदी के पास में और जंगल के बीच में खा रहे हैं हम लोग खाना, तो खाना काफी स्वादिष्ट लग रही है। क्या मेनू अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत मजेदार है खाना। सभी लोग पत्ता तोड़ करके भी घर के लिए निकल गए हैं, अभी हम लोग भी खाना खा चुके हैं, अब हम लोग भी यहाँ से निकलने वाले हैं। हम लोग 9 बजे पत्ता तोड़ करके आ गए थे और उसके बाद हम लोग चले गए थे नहाने के लिए, नहा धोवा के हम लोग वापस आ गए हैं और अभी दोपहर हो गई है और आज का मौसम देखिए पूरा बादल बादल सा मौसम है। और अभी हम लोग इमली पेड़ के नीचे आ गए हैं पत्ता बांधने के लिए, इधर मामू मामी लोग बांध रहे हैं पत्ता। तो आज हम लोग तोड़े थे 1 बोरा और 2 थैली पत्ता, तो इधर देखिए बांधने के लिए सब लोग लगे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि इसको कैसा बांधा जाता है। इस पत्ते को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसे कहीं कहीं तेंदू पत्ता भी बोला जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसे केंदू पत्ता बोला जाता है। तो मामू से हम लोग पूछते हैं कि तेंदू पत्ता को कैसे बांधा जाता है, तो मामू एक बार बतलाइएगा कि इसको कैसे बांधते हैं। पत्ता बांध रहे हैं हम लोग एक जोड़ा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक साइड में 10 जोड़ा। अच्छा। उसके बाद ऊपर से एक वो बड़ा ढक्कन लगा मिला देते हैं ऐसे, फिर मुराबी रस्सी में ऐसे रखते हैं, फिर दूसरा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दूसरे साइड से भी 10 पत्ता ना, दूसरा साइड से भी 10 और ऊपर से एक गो बड़ा ढक्कन इसमें ढक देते हैं। उसके बाद मुराबी रस्सी में ऐसे बांध देते हैं। ये जो रस्सी है ये मुराबी रस्सी है ना? मुराबी रस्सी है, मुराबी मतलब कि वो जो कांटा वाला पौधा है ना? हाँ, कांटा वाला पौधा, उसी से ये रस्सी बनाया जाता है। ये एक पोला हुआ। अच्छा। जो 10-10 जोड़ा करके बांधे, ये 42 गो पत्ता है इसमें। हाँ। 42 पत्ता एक पोला बोलते हैं। मौसी ये जो केंदू पत्ता है इसे क्या क्या बनता है? खाली हम लोग तो बीड़ी केवल बांधता है, इसको केवल जानते हैं। हाँ। और ये जो पत्ता है अभी हम लोग यहाँ पर जमा करेंगे, उसके बाद ये सप्लाई कहाँ जाता है जानते हैं क्या? वही सिमडेगा जिन ट्रैक्टर में लेते हैं, उसके बाद तो किधर जाता है इसको अपना जानकारी नहीं है। और जैसे हम लोग ये जो पत्ता जमा करते हैं तो इसके बदले में जो हम लोगों को पैसा मिलता है तो कितने दिन में मिलता है? 3 दिन के अंदर मिल जाता है। अकाउंट में आता है कैसे? कैश ही मिलता है, कैश मिलता है। हम लोग इसको बांध के ख़त्म करके घाटने के लिए ले जाएंगे, शाम में चट्टान है वहाँ पर घाटने के लिए ले जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ सब लोग उसी समय लेकर के आते हैं ना, शाम के समय में? हाँ। कितना बजे से लेकर के जाएंगे? 5 बजे। हम लोग इसी तरह से सारे तेंदू पत्ते को अभी बांधेंगे,
उसके बाद 5 बजे से हम लोग ले करके जाएंगे चट्टान में घाटने के लिए। तो मैं आप लोगों को वहाँ भी ले करके जाऊँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। पत्ता को बांधते बांधते 5 बज गए और देखिए हमने इतना पत्ता अभी नहीं बांधा है, इसको हम लोग कल बांधेंगे। और उस साइड में मामी पत्तों को बांध ली और इसमें डाल ली। इधर आप लोग देख सकते हैं एक बोरा यहाँ पर पत्ता है जिसको हमने बांध लिया है, और इस साइड भी कुछ पत्ते जो है बांध करके रखे गए हैं, इसको भी हम लोग मोटरी बांधेंगे और फिर हम लोग चलेंगे। और अभी देख रहे हैं आप लोग मामू जो है पत्ता को साइकिल में डाल रहे हैं, और मामू साइकिल से लेकर के जाएंगे और मामी लोग जो है वो धो ली है, तभी हम लोग जा रहे हैं सुखाने के लिए। पीछे भी डालेंगे मामू? हाँ। नहीं इतना इतना मैं लगा देता इसने ढापल बंद कहे के। और ये जो छोटा सा बाबू आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा हर वीडियो देखता है और देखिए काफी ज्यादा खुश लग रहा है। तभी हम लोग जा रहे हैं पत्ता सुखाने के लिए, तो बाबू भी हमारे साथ में जा रहा है। मामू वो फिसल रहा है। वो जो चट्टान आप लोग देख रहे हैं, तभी हम लोगों को वहाँ जाना है और मामी लोग वहीं पर पत्ता को सुखाएंगे। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पर पत्तों को सुखाना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा सा चट्टान है और सभी लोग लगे हुए हैं पत्तों को सुखाने में, तभी मामी लोग भी सुखाएंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। यहाँ पर जगह बना करके पत्तों को लोग सुखाने के लिए सजाने लगे हैं, और इसे सजाने का अपना ही अलग तरीका होता है ताकि गिनती करने में आसानी हो। और इसे देख करके लगता है कि हमारे यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं। हमने सुबह 5 बजे से काम करना स्टार्ट किया था और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग अभी भी पत्तों के बीच में ही हैं। कोई झोड़ी में पत्ता लेकर के आया है, कोई बोरी में लाया है, कोई टोकरी में लाया है, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से पत्ता लेकर के यहाँ आए हैं। कोई कोई पत्तों को मोटरी बना करके भी लेकर के आए हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं मामू और मामी पत्तों को सजा लिए हैं, और सजाने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मामू ये वाला जो हम लोग सजाए हैं, इसको कैसे करके सजाए हैं, कैसे गिने हैं? इसको एक चाटा के हिसाब से रखे हैं, ये छह मुठा का 20-20 करके लाइन लगाए हैं। यानी कि ये वाला जो लाइन है इसमें 20 मुठा है ना? 20-25 और 5 लाइन है। ये एक चट्टा हुआ, सौ मुठा में एक चट्टा होता है ना? हाँ। तो इसका कितना रुपया मिलेगा? 140 रुपया। 140 रुपये 100 मुठा का। सौ मुठा का। तो हम लोग बस कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चट्टा ना? 7 चट्टा। अच्छा बताए दे। तो आप लोग देख सकते हैं ये है मुंशी सर जो कि अभी आए हुए हैं लिखने के लिए। तो आप हर दिन आते हैं ना? हाँ डेली आते हैं। अच्छा तो इसमें आप क्या क्या देखते हैं जैसे आप आते हैं तो? यहाँ यही देखते हैं कि मतलब 100 गो ऐसे है कि नहीं बंडल। अच्छा आप भी काउंट करते हैं, उसके बाद अपना कॉपी में नोट करते हैं? हाँ, पहले काउंट करते हैं फिर लिखते हैं। अच्छा फिर कभी कभी कम भी रहता है तो बताते हैं। हाँ सारा चीज़ आपका चेक करने का काम है? हाँ बस चेक करने का, देख के बस नाम लिख फिर कितना है उसको बस लिख देते हैं। अच्छा बाकी बात है वो लोग देखता है। अच्छा मामू और मामी पूरा केंदु पत्ता को सुखा लिए हैं और अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ से रेस्ट कर रहे हैं। बाकी लोग थोड़ा सा लेट से आए थे तो वो लोग अपना अपना पत्ता जो है वो सुखा रहे हैं। फाइनली ठेकेदार भैया भी आ गए हैं, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये जो पत्ता होता है, तो भैया यहाँ पर आप क्या क्या देखने के लिए आते हैं? ठेकेदार तो हम नहीं है, ठेकेदार कोई दूसरा है। अच्छा अच्छा हम लोग इसमें काम करते हैं। ओ अच्छा, जैसे इसको हम लोग अभी ले रहे हैं ना? हाँ हाँ। लेने के बाद इसको हम लोग उल्टाई पलटाई करके सुखाएंगे। हाँ, इनके अच्छी तरह से हाँ, सूख जाना चाहिए। सूख जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद सूखेगा तो बोरा में भर्ती करेंगे। हाँ, हाँ, फिर यहाँ से ले जाएंगे गोदाम। हाँ, गोदाम कहाँ है? गोदाम हम लोग का कसडेगा में। कसडेगा में। हाँ, अच्छा कसडेगा वहाँ गोदाम करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद उधर कंपनी वाला लोग जिसे मांग करेगा उस हिसाब से हम लोग गाड़ी में। तो ये कौन सा कंपनी में आप लोग देते हैं ज्यादा? बिजली बीड़ी कंपनी है, बिजली बीड़ी धुलियान का है। धुलियान ये क्या, वेस्ट बंगाल? हाँ अच्छा, उसी में खुद का वो अपने बीड़ी बनवाते हैं वहाँ पे। ये ठेकेदार नहीं है, खुद कंपनी है। अच्छा
तो ये आप लोग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं। और हर साल ऐसे ही आप काम करते हैं? हर साल करते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक, आप लोग देख सकते हैं कुछ पत्ते जो है उस साइड में सुखाए गए हैं और उस जगह जगह भर गया है, तो फिर आज इधर सुखाया जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो त्रिपाल है इसके नीचे बड़े बड़े बोरे हैं जिसमें कि केंदु के पत्ते जो है वो ढक करके रखे गए हैं, और वो जो केंदु के पत्ते हैं वो सूखे हुए हैं। और जब यहाँ बहुत सारे केंदु के पत्ते जमा हो जाएंगे तो इन्हें गोदाम में ले जाया जाएगा। फाइनली हम लोग पत्ता सुखा लिया है, और पत्ता सुखाने के बाद अभी हम लोग घर के लिए निकलने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।